रोज़ाना के तकरीबन 50 कमेंट वी वांट सोनू चंदा सीज़न 3 के तो आते ही हैं, लेकिन इनमें से 10 ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सोनू चंदा सीज़न 3 की कोई ना कोई अपडेट दें। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी 2 सितंबर को, उसके बाद अब तक मेरे पास कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन हाँ हम इस ड्रामे की प्रेडिक्शन कर सकते हैं या इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा नहीद अख्तर, इट्स अबू बकर और शेख शाकिर को, जो कि स्पेशल फैंस हैं सोनू चंदा के, जो हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हमें सोनू चंदा सीज़न 3 की अपडेट दें। तो अब बात करते हैं इस ड्रामे के बारे में। जो इश्क जलेबी का पेयर है, मतलब मदिया इमाम और वहाज अली, वो आपको एक ड्रामे में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि फरहान सईद ने 2 ड्रामा साइन किए हैं, जिसमें एक का नाम है मेरे हमसफ़र और दूसरे का नाम है काला डोरिया। एक ड्रामा होने वाला है हानी आमिर के अपोजिट और दूसरा होने वाला है सना जवेद के अपोजिट। लेकिन अब भी खुदा और मोहब्बत तकरीबन 2-3 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद तक अभी कोई नज़र नहीं आ रहा कि इकरा अजीज़ ने कोई प्रोजेक्ट साइन किया हो। अभी फरहान सईद रुसवाई अपनी वेब सीरीज़ हानी आमिर के साथ कम्प्लीट करेंगे, और उसके अलावा मेरे हमसफ़र ड्रामे को कम्प्लीट करेंगे, फिर उसके बाद काला डोरिया को कम्प्लीट करेंगे। तब तक इकरा अजीज़ एक ड्रामा कम्प्लीट कर सकती हैं, और शायद अगर सोनू चंदा सीज़न 3 ने आना है तो आपको ये ड्रामे की अनाउंसमेंट तकरीबन जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने पिछली दफ़ा भी जो सीज़न 2 शूट किया था, वो इसकी जो लास्ट एपिसोड थी वो ईद से 2 दिन पहले शूट की थी। तो अभी इतनी जल्दी इसकी अनाउंसमेंट होने नहीं वाली, अगर इसकी अनाउंसमेंट होती भी है तो तकरीबन ये आपको अनाउंसमेंट, मैंने जैसा कि पहले बताया, जनवरी या फरवरी या इससे भी ज़्यादा मार्च में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ड्रामा नेक्स्ट ईयर मई में रिलीज़ होगा अगर इसने रिलीज़ होना है तो। और अभी इसके चांसेस थोड़े आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि फरहान सईद ने साइमल्टेनियसली 2 ड्रामास को साइन कर लिया। तो बाकी अभी यही है कि इकरा अजीज़ एक ड्रामा कर लें, और जल्दी से फरहान सईद अपने तमाम ड्रामास की शूटिंग कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद इनके लिए इतना टाइम होगा कि ये सोनू चंदा सीज़न 3 को शूट कर सके। इस दफ़ा ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से कि मुश्किल आएगा सीज़न 3, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने शूटिंग आउट ऑफ कंट्री करनी है, मतलब फ़ौरन में करनी है। तो क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि जो क्लिप हैंगर था कि जिया जो है वो बाहर जाके पढ़ना चाहती है, तो इस वजह से अभी इसकी शूटिंग भी अब्रॉड में होनी है। तो मतलब इसलिए चांसेस थोड़े कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अब इसका, पहले तो ये शूट सारा पाकिस्तान में हो जाता था, अब इसका स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा है, एक तो लेंथ ही होगी शूटिंग और सेकेंड इसे अब्रॉड में शूट करने। तो बाकी अभी मैम ने स्क्रिप्ट तो नहीं लिखी, अगर वो स्क्रिप्ट लिखती तो वो थोड़ी ओपन है, वो साफ साफ बता देती। जैसे काला डोरिया के बारे में तकरीबन आज से 2 मंथ पहले का पता चल चुका था कि ये ड्रामा उन्होंने लिख लिया। इसके अलावा भी उनके पास जब्त है, इसके अलावा हम तुम है और एक और ड्रामा है जो वो हम टीवी के लिए कर रही हैं। तो बाकी अभी फ़िलहाल इसकी कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है कि फरहान सईद अगर ड्रामास कंप्लीट करते हैं और इकरा अजीज़ इसके बाद जो ड्रामा साइन करेंगी वो भी ये बताएगा कि सोनू चंदा सीज़न 3 आना है कि नहीं। अगर वो कॉमिकल हुआ तो सोनू चंदा सीज़न 3 बहुत मुश्किल आएगा, और अगर कोई सीरियस ड्रामा हुआ तो फिर इसके आने के चांसेस हैं। और फरहान सईद, मतलब ये छोटे बजट के ड्रामाज हैं तो इनकी शूटिंग जल्द ही कम्प्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि इसकी मतलब कोई अपडेट आती है या नहीं। अभी मेरे मुताबिक जो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है, दिसंबर तक आपको कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई अपडेट देखने को मिलेगी तो वो फरवरी तक देखने को मिलेगी। अगर कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में मैं ही आपको बताऊंगा। बाकी चैनल्स वालों को तो ये है ना कि कोई अच्छा थंबनेल मिला तो उस पर वीडियो बना दी, बस उन्हें थंबनेल चाहिए और फिर उस पर कोई ना कोई वो वीडियो बना ही देते हैं, चाहे बात उसमें कोई भी ना। तो आपको पता है कि मेरा वैसा नहीं है, मेरे पास कई अच्छे थंबनेल्स आते रहते हैं, लेकिन मैं वीडियो वही बनाता हूँ जब उसके बारे में कोई अपडेट हो। अभी शाम से पहले के बारे में मैंने काफ़ी अरसे से बात नहीं की, वो ड्रामा भी आ रहा है, इसके अलावा काफ़ी सारे ड्रामाज हैं जिनकी अपडेट देनी है, तो अब से मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूँगा। तो बाकी रही सोनू चंदा सीज़न 3 की बात, तो आप एक काम ज़रूर करें कि अपने हिस्से का फ़र्ज़ अगर आप इस सीज़न के फ़ैन हैं तो वो ज़रूर अदा करते रहें, और हर जगह वी वांट सोनू चंदा सीज़न 3 या इनके जो भी क्रू वाले हैं या कास्ट वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करते रहें, स्पेशल जो हम टीवी के कंटेंट हेड है या हम टीवी का ऑफिशियल पेजेस है वहाँ पर जाकर, ताकि उनको भी पता चले पब्लिक डिमांड है और हमें इस सीज़न को अभी लाना चाहिए। तो बाकी मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताते रहें ताकि मैं भी इसके अपडेट्स को तलाश करता रहूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।